हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, क्लास 11 का भूगोल हम लोग देख रहे थे, जिसकी एक बुक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका अगर आप बोलें तो पर्यावरणीय भूगोल भी बोल सकते हैं या आप उसको भारतीय भूगोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका समाप्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बंड एग्जाम हो, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, UPSC से लेकर कोई भी एग्जाम, छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, हर एग्जाम में आपका भारतीय भूगोल आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको जाके पढ़ लीजिए। मैंने बहुत ही विस्तार से उसको पढ़ाया हुआ है, पूरी बुक्स आप उसकी एक प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और ये रहा आज से हमारा कौन सा, ये रही हमारी आज से क्लास 11 की सेकंड बुक। इसके बाद थर्ड बुक देखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लास 12 पर चले जाएंगे। और क्लास 12 में भी आपकी तीन बुक्स हैं, तो क्लास 12 की बुक्स हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो भूगोल आपका समाप्त हो जाएगा। भूगोल आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक भूगोल आपने पढ़ा, इसका मतलब आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ नहीं है, अजीब अजीब सी फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को डालना है NCERT इन भूगोल। तो कुछ ऐप्स आएंगे या फिर डाल दीजिए, ऐप आएंगे उसमें, तो आप कोई डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, उसमें आपको बुक्स सारी मिल जाएंगी, क्योंकि NCERT की बुक्स जो आपकी प्ले स्टोर पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, यानी बहुत सारे ऐप दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं पृथ्वी, अब हमें आज हमें देखना है पृथ्वी के बारे में। चलिए इसको ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कलर का ज़्यादा हाईलाइट होता है आपका। तो देखिए पृथ्वी के बारे में, अब पृथ्वी के बारे में भी हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो पहली बात तो हम लोगों को क्या देखना है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो कि फर्स्ट चैप्टर इसका दिया हुआ है पृथ्वी में। और दूसरा इसका है पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है। आंतरिक भाग आपने प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड वगैरह पढ़े ही होंगे, तो उसी चीज़ का डिटेल पढ़ेंगे। थर्ड इसका आपका क्या है, प्लेट विवर्तनिकी, या आप इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोल सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यानी क्या है बैनगर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी महाद्वीप किस प्रकार से जो है आपके विस्थापित हो रहे हैं, प्लेटें किस प्रकार से खिसक रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। थर्ड है आपका भूकंप कैसे बनते हैं, तो प्लेटों के खिसकने के कारण ये आपके भूकंप बन रहे हैं, ठीक है। और कैसे आपके ज्वालामुखी फटते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जब हम पृथ्वी के इतने सारे चैप्टर आपके पूरे विवरण से पढ़ेंगे, यानी विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक एक चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहला आपका फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, पहले हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, भूकंप, ज्वालामुखी, सारा कुछ देखेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि अध्याय 2 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट मैंने बताया कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो प्ले स्टोर में जाकर कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको उसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आपको क्या करना है, भारतीय भूगोल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें थोड़ा सा आपका बचपन की यादें दी हुई हैं। क्या आपको यह कविता याद है, कौन सी कविता जो आपने बचपन में सुनी हुई थी, कौन सी नर्सरी में आपको पढ़ाई जाती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, याद होगी। बचपन में ही तारों भरी रातों से हमें हमेशा आकर्षित किया हुआ है। आकर्षित कहने का क्या मतलब है, अगर रात में अगर आप छत पर लेटते हैं अपने खुले आसमान में, तो क्या होता है कि बहुत सुंदर तारों से भरा आसमान आपका दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ, यानी बहुत ही सुंदर लगता है। तो वही चीज़ दिखाया गया है कि जब आप उस आसमान को देखते हैं, जब वो तारे आपके चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सा आपको दृश्य दिखाई देता है, और एकदम ऐसा लगता है जैसे दृश्य हमें आकर्षित कर रहा हो, और आकर्षित करता भी है, यानी ऐसा लगता है एकदम देखते रहो, ठीक है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा, ठीक है, आपने सोचा होगा क्या करें, चमकते क्यों हैं, दिन में क्यों चले जाते, रात में क्यों निकल आते हैं, ठीक है, कोई तारा आपको बहुत ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, इस प्रकार से आपने भी सोचा होगा, ठीक है। असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे, बहुत सारे प्रश्न आपने सोच रखे होंगे, कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे, इससे ध्यान में आप जानेंगे कि टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानियां भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब होता है आपका चैप्टर स्टार्ट, यहाँ पे आपकी स्टोरी हो चुकी है इधर पे खत्म, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की। तो देखिए आरंभिक सिद्धांत, तो क्या है आरंभिक सिद्धांत, आरंभिक सिद्धांत से मतलब है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो देखते हैं कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी आखिर बनी कैसी है। हमने तो देख लिया कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर रहते हैं, पृथ्वी घूमती है, ऐसा वैसा सब कुछ हमने देख रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी न किसी कोई भी चीज़ है तो उसकी उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ है तो उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो एक पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी ना, किसी ने ऐसे जादू तो फूंक नहीं दिया होगा कि पृथ्वी आ गई, तो उसकी भी उत्पत्ति हुई है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हुई पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। एक मिनट, इसको थोड़ा, इसकी लाइटिंग थोड़ा बढ़ा लूँ मैं। चलिए अब देखते हैं अब क्या है कि तरह तरह के वैज्ञानिक आए होंगे, वही चीज़ है,
लोग तरह तरह की खोज करते हैं, एक वैज्ञानिक आया उसने कुछ बताया, दूसरा आया उसने कुछ बताया, हर उसको तो आपका हर सब्जेक्ट में होता है कि कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो चलिए इसमें भी वही हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पना प्रस्तुत की, अनेक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने तर्क लगाए, अपना अपना उन्होंने क्या किया, अपना अपना दिमाग रखा कि मुझे ऐसा समझ आ रहा है, मुझे ऐसा समझ आ रहा है, इस प्रकार से बात हुई। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन जो जर्मन के वैज्ञानिक थे आपके दार्शनिक कौन थे, इमैनुअल कांट, क्या नाम था इनका, इमैनुअल कांट था, ठीक है, जर्मन के वैज्ञानिक थे। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ और आपके लाप्लेस, यानी एक तो आपके गणितज्ञ लाप्लेस आए और एक कौन आया आपके, इमैनुअल कांट। कहाँ से आए आपके इमैनुअल कांट, कहाँ से आए, वो कि आपके जर्मन के दार्शनिक थे, ने इनका संशोधन प्रस्तुत किया, जो कि क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि हम निहारिका परिकल्पना, यानी इन्होंने नाम उसको क्या दे दिया आपका, निहारिका परिकल्पना, यानी नेबुलर आपका नाम दे दिया, ठीक है, नेबुलर नाम दे दिया, के नाम से इसको जाना जाता है। इस अब इन्होंने इस निहार का परिकल्पना में बोला क्या, पहली बात तो इन्होंने नाम दिया उस सिद्धांत को, जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसका नाम दे दिया निहार का, लेकिन उस सिद्धांत में इन्होंने बोला क्या, तो देखिए इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध है, यानी इन्होंने बोल रखा कि जब सूर्य युवा था, ठीक है, जब सूर्य जवान था, इनके कहने का मतलब कि जब सूर्य की आरंभिक स्थिति थी, ठीक है, उस समय क्या हुआ कि कुछ पदार्थ घूमते रहे, ठीक है, बादल थे, घूमते रहे, धीरे धीरे क्या हुआ, घूमते धीरे धीरे वो ग्रह में परिवर्तित हो गए, ठीक है। बाद में 1900 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या रखा, वो वैज्ञानिक जो आए आपके चैम्बरलेन और मॉल्टेन आए, दो वैज्ञानिक आए, पहले भी दो थे अभी भी दो हैं, ठीक है। तो 1900 में कौन से आए, चैम्बरलेन मॉल्टेन आए। चैम्बरलेन मॉल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, इन्होंने बोला कि एक भ्रमण करता हुआ तारा आया, घूमता हुआ वो सूर्य के नज़दीक से गुजर गया, इससे क्या परिणाम निकले, तो इन्होंने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ कि देखिए गुरुत्वाकर्षण तो हर जगह आपको मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि जो स्वरूप तारे के जो गुरुत्वाकर्षण था तारे का, उससे क्या हुआ, तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। इनके कहने का मतलब है कि सूर्य के नज़दीक से एक तारा निकला और उसका गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ही सूर्य पर पड़ा, उसके टकराने से क्या हुआ कि सूर्य का एक हिस्सा निकल के हट गया, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला 1900 में, ठीक है। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। इनके कहने का सीधा सीधा मतलब है सूर्य का एक टुकड़ा टूटा, ठीक है, वो टुकड़ा टूट के दूर गिरा, दूर गिरने की वजह से क्या हुआ, वो उधर पर फिर घूमने लगा और घूमता रहा, धीरे धीरे वो क्या हुआ, हल्का सा ठंडा हुआ। संघनन कब होता है, जब टेम्परेचर, कंडेंसेशन कब होता है, जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो, जैसे कि आपको पता है कि वायुमंडल में, जैसे मैं अभी स्थिति बताऊं, जैसे आपका मैं जल चक्र मैंने आपका कई टॉपिक में पढ़ाया हुआ है आपको, तो क्या स्थिति बनती है कि जैसे अगर अभी की बात करें तो वायुमंडल में हवाएं गर्म होकर ऊपर की साइड उठती हैं, ठीक है, इस प्रकार की ऊपर की साइड उठती हैं, और जैसे ही ऊपर की साइड उठती हैं तो इनको दिखता है इधर पर टेम्परेचर कम का मतलब क्या होता है, हवाओं में जो है आपकी हवाएं हल्की सी पानी के रूप में परिवर्तित होने लगती हैं, और पानी के रूप में परिवर्तित होने के कारण क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे बरस जाती हैं, ठीक है, जो बूंदें बन के बारिश के रूप में हवाएं जो है नीचे बरस जाती हैं, यानी जो आपका जल वाष्प था, ठीक है, इतनी बात होती है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं कि जब जल वाष्प का गर्म मुख ऊपर उठना, ऊपर ठंडा होना, उसको हम कहते हैं संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन, और संघनन से ही निकला आपका संघनित, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया कि वो जो सूर्य का एक हिस्सा निकला टूट के, उससे क्या हुआ कि वो चारों तरफ सूर्य के घूमा, और चारों तरफ घूमने के कारण वो संघनित हुआ हल्का सा, और संघनित होने के कारण वो क्या बन गया, वो बन गया ग्रह, ठीक है। इस प्रकार की इन लोगों ने आपकी परिकल्पना बताई। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ, यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। चलिए ये भी देख लिया, अब आगे देखिए, पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। ये दो लोग सर और आए, जेम्स जीन्स और हरोल्ड आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हाँ ठीक है, सूर्य से एक टुकड़ा टूटा, चारों तरफ चक्कर लगाया, संघनित हुआ, ग्रह बन गया, इन्होंने बात मान ली। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात बनाते हैं, यानी अब और लोग आए, अब क्या बोले, वो बोले समय के साथ उन्होंने अपनी बुद्धि तोड़ाई, तर्क लगाया, बोले कि सूर्य के साथ एक और साथी तारा, यानी सूर्य के साथ एक और तारा रहा होगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा माना कि सूर्य के साथ एक और उसका साथी तारा रहा होगा। ये तर्क क्या बोला, इस तर्क को हमने बोला द्वितारक सिद्धांत, ठीक है, द्वितारक सिद्धांत, बाइनरी थ्योरीज, यानी दो तारों का समूह, ठीक है,
के नाम से इसको जाना जाने लगा, यानी दो तारों, जिन जिन विज्ञानिकों ने आके बोला कि एक तारा रहा होगा और एक उसका साथी तारा रहा होगा, उस सिद्धांत को क्या बोला गया, उस सिद्धांत को द्वे तारक सिद्धांत बोला गया। अब 1950 में आए, ठीक है, तो 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो सिमिट आए, ठीक है, रूस से एक वैज्ञानिक निकले ऑटो सिमिट, वह जर्मनी के कार्ल बाइजास्कर, तो रूस के ऑटो सिमिट निकले 1950 में और कार्ल बाइजास्कर आपके जर्मनी से, तो इन्होंने बोला कार्ल बाइजास्कर ने निहार का परिकल्पना के कुछ संशोधन किए, तो जो निहार का परिकल्पना आपकी हुई थी उसमें दर पे नेबुलर में क्या किया इन लोगों ने संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न है, ठीक है। अब जब संशोधन किया, संशोधन से तो नई चीज़ें निकलेंगी, ठीक है, किसी चीज़ को द्वारा संशोधन करना तो चीज़ें नई निकली होंगी, अब यहाँ पे भी नई चीज़ें निकली, तो देखिए उनके विचार से क्या हुआ कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः कैसा था, हाइड्रोजन और हीलियम और धूल कणों की बनी हुई थी, यानी इन्होंने बोला कि सूर्य कुछ चीज़ों से घिरा हुआ था, एक निहारिका से घिरा हुआ था जिसमें मुख्य गैसें कौन सी थी, तो पहली उन्होंने हाइड्रोजन बता दी, दूसरी बता दी हीलियम, और तीसरा क्या बताया कि वहाँ पे धूल कण भी बने हुए थे, इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। इन्होंने बताया कि ये जो आपकी गैसें हैं हाइड्रोजन हीलियम और धूल कण एक दूसरे से टकराते रहे, ठीक है, क्या हुआ एक दूसरे से टकराए, अब किसी भी चीज़ से टकराव होगा तो क्या होगा, घर्षण बल उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे भी उन्होंने ये स्थिति बताई कि एक दूसरे से टकराने के कारण इनमें हुआ क्या, घर्षण बल उत्पन्न, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगा, ठीक है, और इस फ्रिक्शन फोर्स से क्या हुआ, चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हो गया, एक चपटी तस्तरी बन गई, एक प्लेट टाइप की पतली बन गई, ठीक है, और उस बादल का निर्माण हो गया, और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने बोला कि ऐसे ही ये घर्षण करते रहे, ठीक है, टकराते रहे, घर्षण बल बनता रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रह बन गए, ठीक है। अंतगोत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों को ही नहीं बरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अब ऐसे काम तो चल लेने वाला कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई या ग्रह की उत्पत्ति कैसी हुई, पहले तो हमें चीज़ क्या सीखनी होगी, पहले हमें ये भी तो सीखना होगा कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रह कैसे बने या पृथ्वी कैसी बनी। तो चलिए अब देखते हैं आधुनिक सिद्धांत, जो हम आज का सिद्धांत मानते हैं, जो आज हम पढ़ते हैं, जिसको हम सही मानते हैं, वो कौन सा निकला। तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज का जो सिद्धांत है आपका आधुनिक सिद्धांत, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा, आपका बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है, आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज की जो आपका सिद्धांत माना जाता है वो मानी जाती है आपकी बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए बैंग मीन्स तो होता है बड़ा सा धमाका, ठीक है, विस्फोट, बिग मीन्स तो वैसे भी बड़ा होता है और बैंग मीन्स विस्फोट होता है, यानी बिग मीन्स बड़ा और बैंग मीन्स विस्फोट, यानी बड़ा विस्फोट का सिद्धांत, ठीक है, अभी आप इंग्लिश में बोलिए इसको बिग बैंग थ्योरी। तो अब हम देखेंगे किस प्रकार से विस्फोट हुआ और किस प्रकार से इसका नाम बिग बैंग पड़ गया। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा गया, यानी विस्तारित यानी फैलावदार, ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इसको क्या बोला गया, एक्सपेंडिंग यानी विस्तारित ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस भी इसको कहा गया। किसको, बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम याद रखिएगा, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी इसको कहा गया 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल आए, कौन सी आए, एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लोगों ने कहा कैसे फैल रहा है, ये बोले गुब्बारे की तरह फैल रहा है। तो चलिए देखते हैं, समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से एक गुब्बारे पे हम फूल पत्ती निकाल दें या कोई भी आकृति उसमें बना दें और जैसे उसमें हवा भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उस पर हमने आकृति बनाई हुई है वो हमको लगेगा ये आकृतियाँ फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी इसी प्रकार से बताई, इन्होंने कहा गुब्बारे की तरह फैल रहा है, कौन फैल रहा है, ब्रह्मांड। किन्होंने बताया, एडविन हब्बल ने, कब बताया, 1920 में, ठीक है। तो समय बीतने के साथ आकाश गंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं, आप प्रयोग कर जानते हैं, देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। देखते हैं किस प्रकार से, एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगा दें जिनको आकाश गंगाएं मान लें, उन निशानों को उन्होंने बोला कि आकाश गंगाएं मान लीजिए। अब बोले अब गुब्बारे को फुला दीजिए, गुब्बारे को फुला दिया, अब गुब्बारे को फुलाने के बाद क्या होगा, वो निशान जो होंगे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है, उसमें जो फूल बनाए हुए हैं हमने गुब्बारे में वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और अपनी आकृति से बड़े हो जाएंगे रबड़ की वजह से, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि अगर आपको प्रयोग करना है, हब्बल ने बताया कि अगर आपको प्रयोग करना है तो इस प्रकार करिए, किस प्रकार से, गुब्बारे पे निशान लगा के उसको फुला दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे से किस प्रकार दूर जा रही हैं आकाशगंगाएं, ठीक है। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है,
और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तरित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं ही बढ़ रहे हैं। इन्होंने बोला कि एक तो उनकी दूरी और दूसरा चिन्ह खुद बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है, यानी ये तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं, यानी वैज्ञानिकों ने ये चीज़ तो देख ली, गुब्बारा फुलाया देख लिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये चीज़ नहीं मानी कि ये सही है, ठीक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध कर सकते हैं। ये तो मान लिया कि आकाश गंगाओं की दूरी बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, मान लिया, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि साथ में आकाश गंगाओं का आकार भी बढ़ रहा है, तो ये चीज़ सिद्ध नहीं हुई। अब गुब्बारे का उदाहरण यहाँ क्या हुआ, आंशिक रूप से ही मान्य, आंशिक रूप यानी पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली है इसको। हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि हम उस पर चिन्ह लगा के फुला दें तो आकाश गंगा फैल रही है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि आकाश गंगाओं का आकार भी बढ़ रहा है, ठीक है। आकाशगंगाओं की दूरी जरूर बढ़ रही है, लेकिन उनका आकार जो है नहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज़ में क्या हुआ कि गुब्बारे का जो उदाहरण दिया हब्बल ने वो आंशिक रूप से मान्य नहीं था, ठीक है, आंशिक रूप से मान्य, पूर्ण रूप से मान्य नहीं हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। चलिए एक देखते हैं। पहली बात तो आप देख लीजिए, इन्होंने देखिए इधर पे अगर आप देखें इधर पे एक मिनट के लिए, इसमें चित्र दिया हुआ है, इसमें बिग बैंग की थ्योरी आपकी दी हुई है कि इधर पे देखिए, इधर पे छोटा छोटा आपके कुछ कण दिए हुए, छोटे छोटे कण कुछ इस प्रकार से फैले, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैले, अब कुछ इस प्रकार से। अगर आप इसमें गौर से देखें तो इनकी दूरी बढ़ रही है, ठीक है, इनका आकार नहीं बढ़ रहा है। अंग देखिए अब क्या है, अब इन्होंने पहला क्या दिया, कहाँ थे हम लोग, कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। तो बिग बैंग सिद्धांत जो दिया उससे ब्रह्मांड का जो है विस्तार किस प्रकार से हुआ, आरंभ में वे सभी पदार्थ, स्टार्टिंग में देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि बहुत पीछे समय में जाइए तो सबसे पहले जो पदार्थ थे जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है, अति छोटे गोलक थे, यानी छोटे 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 बहुत छोटे छोटे गोलक थे, जिसको हम एकाकी परमाणु बोल सकते हैं, यानी एक एक परमाणु बोल सकते हैं उसको, ठीक है, के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, फैले नहीं थे, एक ही स्थान पर इकट्ठे होके थे। कौन कौन से, एक एक परमाणु एक ही स्थान पर थे, जिसका आयतन, वह परमाणु है कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो आयतन क्या होगा, आयतन जो उसका था अत्यधिक सूक्ष्म यानी बहुत ज़्यादा छोटा, और तापमान तथा घनत्व अनंत था, यानी सूक्ष्म था, तापमान और घनत्व सब कैसे थे, अनंत थे, यानी ना के बराबर थे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और समय बीता और क्या हुआ, अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा समय बीतने के बाद क्या हुआ, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक से भीषण विस्फोट हुआ। ये गोलक जो था, छोटा छोटा गोलक आपका परमाणु के रूप में इकट्ठा था, अब वो जब परमाणु के रूप में छोटा छोटा गोलक इकट्ठा था, तो अब अगर आप उसमें नज़र दौड़ाएं, देखें, अगर आपको देखने को मिल गया होगा उस समय पर, मान लीजिए, तो अगर आप उसको देखें तो क्या देखेंगे, आप उसमें ये नहीं देख पाएंगे कि इसमें अलग अलग परमाणु हैं, आपको लगेगा कि पूरा गोला बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है। अब वो गोला पूरा इकट्ठा हो गया, अब उसमें क्या हुआ, एकदम से वो फट गया, यानी विस्फोट हो गया। अब विस्फोट को क्या किया, विस्फोट को बोला जाता है बैंग, ठीक है, BANG, विस्फोट को बोला जाता है बैंग, तो इसलिए इसका नाम बिग बैंग, यानी बड़ा विस्फोट, तो इस प्रकार से इसका नाम बिग बैंग रख दिया गया। तो अब क्या हुआ, भीषण विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होगा किसी चीज़ को, बताइए, एक गुब्बारा है, गुब्बारा हो, या फिर आप जो दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, या बॉम हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर वो एकदम से फट जाए तो क्या होता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाती है। तो इस गोले में भी वही चीज़ आपकी उत्पन्न हुई कि विस्फोट के बाद इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। बृहद विस्तार यानी बहुत तरीके से फैल गया। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से कब हुई होगी, तो इन्होंने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई होगी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। अब आप ये मत सोचना कि ब्रह्मांड जो है आज की स्थिति में स्थिर हो चुका है, ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो रही है, और विस्फोट के बाद एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ, ठीक है। क्या हुआ, विस्तार के कारण जो कुछ ऊर्जा निकल रही है वो आपकी पदार्थ में परिवर्तित होती जा रही है, यानी उस ऊर्जा से पदार्थ बनता जा रहा है, और विस्फोट के बाद एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ, यानी एक सेकंड के अंतर में ही बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। इसके बाद क्या हुआ कि अब जो विस्तार हो रहा था एकदम से, तो अब बताइए, एकदम से आपका जो बॉम्ब है फूटेगा तो एकदम से तो वो कई टुकड़ों में बट जाएगा, तो वही चीज़ हुई कि एकदम से जैसे ही विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ एकदम से, तो वो विस्तार एकदम से पूरा फैल गया, ठीक है, एक सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे फैला,
ठीक है, बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। अभी जब फैल गया तो इसके 3 मिनट बाद अगर आप देखते हैं तो इधर पर दिखाया गया कि फर्स्ट परमाणु का निर्माण हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान क्या हुआ, 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान क्या हुआ, 1500 केल्विन तक गिर गया। बताइए कितना, 3 लाख वर्ष, बिग बैंग के 3 लाख वर्ष बाद तापमान कितना गिरा, 4500 केल्विन तक गिर गया। और परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ठीक है, ब्रह्मांड क्या हुआ, पारदर्शी हो गया। चलिए आगे देखिए, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, हॉयल। अब एक से फिर वैज्ञानिक आए हॉयल, हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है, स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर हैं। यानी अब इन्होंने मान लिया है वैज्ञानिकों के ब्रह्मांड वास्तविकता में फैल रहा है। यानी जो हम आधुनिक अगर हम पढ़ना चाहें थ्योरी तो कौन सी पढ़ेंगे कि हम बिग बैंग थ्योरी को मान्यता देते हैं आधुनिक समय में। अब देखिए तारों का निर्माण कैसे हुआ, अभी तो हमने ब्रह्मांड देख लिया, अब ब्रह्मांड के बाद तारे भी तो आप लोग देखते हैं, तो उसमें भी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट, चलिए सही है। तारों का निर्माण, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। अब एक चीज़ बताइए, किसी गोले को अगर आप फोड़ दें एकदम से, ठीक है उसको अगर पत्थर मार के आप फोड़ेंगे तो क्या वो एक से भाग में कट के अलग होगा, या जैसे आप किसी सेब को हंसिए से काटिए या चाकू से काटिए तो वो 4 हिस्सों में आप बराबर काट लेंगे, लेकिन अगर आप उसको पत्थर से हाथ से घुसा मार के उसको फोड़ देंगे तो वो एक से भागों में नहीं बटेगा, उसके कई छोटे छोटे भाग, कई बड़े बड़े भाग अलग अलग फैल जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हुआ कि जब इसमें विस्फोट हुआ होगा तो क्या इसके पदार्थ या इसकी ऊर्जा जो है वो एक समान भाग में वितरित हुई होगी, या उसके भाग समान रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, कुछ जो टुकड़े हैं छोटे छोटे रहे होंगे, कुछ टुकड़े बड़े बड़े रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई। अब गुरुत्वाकर्षण बल आपका कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण तो जितनी भारी चीज़ उतना गुरुत्वाकर्षण, जैसे जैसे अगर आप मान लीजिए 6 से क्या करते हैं, आपने साइंस भी पढ़ी होगी, मैंने 6 से 10 तक की साइंस पढ़ाई हुई है, अगर आपने पढ़ी हो और नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्या है कि अगर आप 6 से क्या करना है, आपको एक गुब्बारा नीचे की साइड फेंकना है और एक आपको लोहे का गोला फेंकना है, तो लोहे का गोला आपका घनत्व भारी होता है, तो लोहे का गोला क्या करेगा, आपका बहुत तेज़ी से नीचे आके गिर जाएगा ज़मीन पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और उसके दोनों के गुरुत्वाकर्षण में बहुत तेज़ी से खिंचाव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। और दूसरी बात, जब आप एक गुब्बारे को नीचे की साइड फेंकेंगे तो गुब्बारा जो है बहुत हल्का होता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होगा, तो उसका खिंचाव पृथ्वी की साइड बहुत बहुत ही धीमी गति से होगा। हो सकता हवा तेज आ जाए तो आपका गुब्बारा नीचे उड़ने की जगह, नीचे फेंकने की जगह या नीचे गिरने की जगह ऊपर की साइड उड़ के चला जाएगा। तो ये अंतर होता है आपका घनत्व में। ठीक है, जितना घनत्व ज़्यादा उतना गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा। तो वही चीज़ इसमें लगी कि इसमें जो बड़े बड़े आकार के टुकड़े हुए होंगे इसके, तो उसमें क्या रहा होगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण घनत्व ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े रहे होंगे, ठीक है, उनमें क्या रहा होगा, उनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत कम मात्रा में रहा होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका बहुत कम मात्रा में रहा होगा। तो घनत्व के आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई, यानी घनत्व बल बदला तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उसका चेंज होगा, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। अब क्या हुआ, पदार्थ क्या हुआ, एकत्रण हुआ। यदि एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना, ठीक है, यही क्या हुआ, एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का कारण बना, यानी इससे आकाश गंगाएं बनी। अब इसमें समझिए आकाश गंगा क्या है, एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है, यानी एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं आपके। ठीक है, एक तारा नहीं होता, बहुत सारे तारे होते हैं। और अगर आप देखें तो सूर्य आपका एक तारा है, ठीक है, और हर तारे का एक ब्रह्मांड होता है पूरा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाशगंगा कितनी बड़ी रही होगी, ठीक है, या आकाशगंगा कितनी बड़ी है। ठीक है, तो देखिए एक आकाशगंगा, और एक आकाशगंगा बहुत सारे तारे होते हैं अनगिनत, ठीक है, असंख्य तारे होते हैं। ठीक है, और हर एक तारे का अपना ब्रह्मांड होता है। जैसे कि अगर आप ब्रह्मांड की बात करें तो तारा सूर्य आपका एक तारा है, और एक सूर्य आपका एक तारा है, तो सूर्य का ही ब्रह्मांड आप देख लीजिए कि इतना बड़ा है। तो हर एक तारे का हर एक ब्रह्मांड होता है। ठीक है, तो अब आपसे आपको समझ में आ गया होगा कि आकाशगंगा कितनी बड़ी रही होगी। अब देखिए, अगर आप सूर्य, अगर आप आसमान की तरफ रात में क्या करते हैं, आपकी नज़रें दौड़ाते हैं अपनी, तो क्या देखते हैं, आपके बहुत सारे तारे उसमें दिखाई दे रहे हैं। यानी हर तारे का अपना एक ब्रह्मांड है, बस अंतर ये है कि पृथ्वी से कुछ तारे दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, किसी की दूरी कम है, तो उसी हिसाब से वो छोटे बड़े आपको दिखाई देते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ देखें, देखिए बहुत ऊँचाई पर आप चले जाइए, अब आपने कभी देखा भी होगा कि आप पहाड़ों के मंदिर पर चढ़ जाते हैं
फिर आप नीचे की साइड देखते हैं तो गाड़ियाँ, फिर वहाँ जो लोग दिखाई देते हैं, जानवर नीचे की साइड दिखाई देंगे, तो आप बहुत छोटे 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 दिखाई देंगे। क्यों छोटे दिखाई देते हैं? क्यों? दूरी की वजह से छोटे दिखाई देंगे। जो चीज़ हमारे पास होगी वो हमें बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, और जितनी ही दूरी हम उससे करते जाएंगे तो वो चीज़ उतनी ही छोटी हमें दिखती जाएगी। तो वही चीज़ है कि और तारे आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं इसलिए बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, सूर्य आपसे कम दूरी पर है, ठीक है, और सूर्य आपसे यानी पृथ्वी से, ठीक है, तो सूर्य हमसे कम दूरी पर है, तो सूर्य हमसे कम दूरी पर है तो हमें बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है, और सूर्य हमारा तारा है। चलिए अब देखते हैं आगे। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों वर्षों में मापी जाती है, हजारों वर्ष, ठीक है, हजार वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, याद रखना, ठीक है, हजार वर्ष आपका समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, लाइट ईयर, इसमें प्रकाश वर्ष में आपकी दूरी मापी जाती है, ठीक है, जैसी आपकी किलोमीटर में दूरी मापी जाती है ऐसी आपकी प्रकाश वर्ष में भी दूरी मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना होता है? तो 80,000 से लेके व्यास की बात कर रहे हैं, त्रिज्या की नहीं, 80,000 से लेके 150,000 प्रकाश वर्ष की बीच की दूरी, किलोमीटर नहीं प्रकाश वर्ष के बीच की दूरी, ठीक है। आगे देखिएगा, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कैसे होती है? तो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, यानी उसमें क्या होता है, एक आकाशगंगा बनने के लिए हाइड्रोजन का बहुत बड़ा विशाल बादल होता है जिसे हम निहारिका कहते हैं यानी नेबुला कहते हैं, नेबुला, ठीक है, क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका से गैस के झुंड विकसित हो जाते हैं, गैस के झुंड बन जाएंगे, ठीक है, झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन जाते हैं जिनसे तारों का निर्माण आपका आरंभ होता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सूर्य में आपकी गैस कौन सी है, तो आप हीलियम या हाइड्रोजन बताते हैं, ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना देता है, ऐसा होता है ना आपका, अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा हो, साइंस भी मेरे से पढ़ा हो, तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम बनता है, तो अगर आपसे पूछे सूर्य में कौन सी गैस है तो आप हाइड्रोजन बताएंगे, हाइड्रोजन नहीं बताएंगे तो हीलियम बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ, ठीक है, काल परसों की बात नहीं है आपकी, 5 से 6 अरब वर्ष पहले की बात है। प्रकाश वर्ष के बारे में देख लीजिएगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मात्रक है, मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष से क्या मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है आपकी, ठीक है, और ये आप उसमें आप प्रकाश वर्ष लगा हुआ है ना, तो वर्ष से आप समय मत करना, दूरी का मात्रक है। प्रकाश की गति 300,000, प्रकाश की गति देखिए कितनी है, जो आपकी लाइट है तो उसकी गति कितनी होती है, तो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 1 सेकंड में 300,000 किलोमीटर चल लेती है। विचारणी है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा, ठीक है, इसलिए इसको 1 प्रकाश वर्ष बोल देते हैं कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेगा उसको हम 1 प्रकाश वर्ष बोल देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखिए, आपके अगर आपको इसमें क्या कहते हैं उसको, अगर आपको देखना हो कि कितनी दूरी हो जाएगी, तो देखिए 1 सेकंड में 300,000 चल लेता है, 300,000 किलोमीटर, ठीक है, और 300,000 किलोमीटर में क्या करेंगे आप, मतलब 60 का गुणा करेंगे तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 300,000 में आपको 60 का गुणा करना है तो कुछ आपका आ जाएगा और आपका क्या होगा, वो 1 घंटे की दूरी आ जाएगी, जैसे आप कर सकते हैं, यानी 365 दिन में आप सेकंड निकालेंगे, उसका 300,000 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसमें करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते भी नहीं बनेगा कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है 1 प्रकाश वर्ष क्यों बोलते हैं। यह क्या है आपका, 9 दशमलव किलोमीटर के बराबर, ये मतलब दिया हुआ है कुछ, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, पृथ्वी और सूर्य की अगर आप दूरी देखते हैं तो आप देखेंगे अगर किलोमीटर में तो 14 करोड़, ठीक है, 14,95,00,000 अगर आप देखते हैं तो 15 करोड़ इसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रकाश वर्ष में देखें तो सीधे सीधे आप 8.3 प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं। तो देखिए याद रखिएगा किलोमीटर में कि 15 करोड़ के आसपास है सूर्य और पृथ्वी की दूरी, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी किलोमीटर में 15 करोड़ है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रकाश वर्ष की बात करें तो आपको 8.3 प्रकाश वर्ष मिल जाएगी, तो प्रकाश वर्ष का याद रखना। अब देखिए बात तो हो गई हमारी तारों की, अब हम देखेंगे बात ग्रहों की, ग्रहों का कैसे विकास हुआ। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं, फर्स्ट देखिए क्या मानी गई, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित पिंड हैं, ठीक है, गुंथित झुंड हैं, यानी इन्होंने बोला कि जो तारे हैं वो निहारिका के अंदर नेबुला के अंदर बहुत सारे अपने आप में झुंड हैं, ठीक है, इस गुंथित झुंडों में, गुंथित क्या हुआ, गुथा हुआ, ठीक है, एक दूसरे से में उलझा हुआ, जब एक धागे को हम लोग ऐसा पूरा इकट्ठा कर देते हैं और वो एकदम से पूरा उलझ जाता है तो हम उसको गुथा हुआ धागा बोल सकते हैं आराम से, एकदम गुंथित है, ठीक है, यानी उलझा हुआ अपने आप में। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं, इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोट का निर्माण हुआ, क्या हुआ कि इन गुंथित जो झुंड हैं इनमें गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, नॉर्मल बात है गुरुत्वाकर्षण बल रहा होगा, तो गैसीय बादल में क्रोट का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोट के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। तो वही चीज़ है कि एक रोटेटिंग डिस्क बन गई,
यानी रोटेट करती हुई एक डिस्क बन गई, यानी ये घूमती हुई तस्तरी बन चुकी है। सेकंड देखिए, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन हुआ। जब दूसरी अवस्था देखी थी इन्होंने तो बोला जो गैसीय बादल बन गए थे ना उनका संघनन हो गया, ठीक है, और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलक के रूप में विकसित हो गया, यानी जो क्रोड को ढक रहा था पदार्थ वो क्या हुआ, छोटे छोटे गोलों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये छोटे गोले ससंजन यानी अणुओं की परस्पर आकर्षण के कारण क्या हुए, ये आकर्षण के कारण एक दूसरे से मिल गए, ठीक है, प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए, यानी क्या हुए, ये छोटे छोटे जो बल हैं, छोटे छोटे जो गोले हैं, क्या हुआ, इनमें आकर्षण हुआ। आकर्षण का क्या मतलब, एक दूसरे की तरफ इनमें खिंचाव हुआ, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होने से मतलब ये गोले जो हैं एक दूसरे से मिल गए, ठीक है, संगठन हो गया। क्या हुआ, संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए। अभी गोले एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, गोलों का मिलने का क्या मतलब, एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कोलिजन हो रहा है, कोलिजन यानी संगठन हो रहा है, कोलिजन संगठन और संगठन हो रहा है इनमें एक दूसरे से, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जुड़ने का क्या हुआ, जुड़ने के कारण बड़े बड़े पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या को हम क्या कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं, छोटे पिंडों उसकी बहुत ज़्यादा संख्या तो हम ग्रहाणु बोल देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धिता होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में, अब क्या होगा कि और छोटे क्या होगा, अंतिम अवस्था में इन छोटे ग्रहाणु यानी छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे और मिलते गए तो ऐसे मिलते मिलते क्या हुआ, बड़े बड़े पिंडों का निर्माण हुआ, तो पिंड बन गए। अब देखिए क्या है, अब हम बात करेंगे ग्रह बन गए, ठीक है, अब हम बात करेंगे सौरमंडल का, कि सौरमंडल कैसे बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं वो कैसे बना हुआ है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों का क्या मतलब, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यही तो आपके 8 ग्रह हैं। अभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6-7 में भी हमने पढ़ा था कितने ग्रह हैं, 6 में पढ़ा था हमने, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, मैंने जो आपको बताया है सूर्य से दूरी के अनुसार बताए हुए हैं, यानी सूर्य के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, निहारिका को क्या माना जाता है, निहारिका को, नेबुला को सौरमंडल का जनक माना जाता है, यानी सौरमंडल का जनक कौन है, तो निहारिका यानी नेबुला। इसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुई, वह ग्रह लगभग आपके जो हैं 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने, इसमें कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। हमारे सौरमंडल में सूर्य जो है तारा, हमारे सौरमंडल में एक चीज़ देख लीजिए कि सौरमंडल में आखिर है क्या, कहीं कभी कभी बंड एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट पे तो आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य एक तारा है, उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और इन ग्रहों में भी और ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको हम उपग्रह कहेंगे। उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रहों को चक्कर लगाने वालों को हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, तो आपका चंद्रमा है, ठीक है। तो 8 ग्रह हैं, इसके इन 8 ग्रहों के 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं, क्षुद्रग्रह यानी ग्रहों के टुकड़े हैं, क्षुद्रग्रह किसको बोलते हैं, ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, धूम के तो इसको आपको कॉमेट्स बोलते हैं आप इसको, एवं बृहद मात्रा में धूलिकण और गैसें हैं, तो गैसें तो आपकी हैं ही और धूलिकण भी हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। इन 8 ग्रहों में से बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये कैसे हैं, आपकी भीतरी सतह है, यानी याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है बंड एग्जाम में कि कौन कौन से आपके इनर प्लैनेट हैं और कौन कौन से आपके आउटर प्लैनेट हैं, यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, सूर्य की दूरी के अनुसार भी हैं आपके, और बीच में आपकी एक क्षुद्रग्रह पट्टी भी बनी हुई है, क्षुद्रग्रह पट्टी आपकी छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है, तो उसके अनुसार भी इनको भागों में अलग अलग बांटा गया है। तो देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपके आंतरिक ग्रह हैं, जिसको हम भीतरी ग्रह है इनर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य व क्षुद्रग्रह की पट्टी के बीच स्थित हैं। यानी देखिए क्या है, आपका एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ये रहा सूर्य, देखिए मैं इसको रेड में बताऊंगा, आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, इधर पे आपकी मिलेगी आपको क्षुद्रग्रह पट्टी, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पहली बात तो आपका पूछा जाता है कि जो आपकी क्षुद्रग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये तो हो गया आपका मंगल, ठीक है, मंगल, और ये हो गया आपका बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रह पट्टी स्थित है, और इसी के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया। और एक चीज़ और है कि आपके ग्रह ठोस हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह आपके ठोस हैं और बाह्य ग्रह आपके गैसों के बने हुए हैं, तो ये भी अंतर है आपका। चलिए हम आगे देखेंगे एक एक करके, क्योंकि सूर्य व क्षुद्रग्रह पट्टी के बीच स्थित है।
अन्य चार ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जिसको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। पहले चार ग्रह आपके पार्थिव यानी आपके पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। पार्थिव ग्रह याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपको शब्द लिखा मिल जाए कि इनमें से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं हो सकता, क्या देगा आपको? देखिए क्वेश्चन इसके किस प्रकार से बनता है, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा आपका कि इनमें से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव यानी तीन ग्रह वो आपको आंतरिक ग्रह के नाम देगा, क्योंकि आंतरिक ग्रह को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। और एक ग्रह का नाम आपका ऐसा रखेगा जो आपका बाह्य ग्रह है, यानी बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण में से, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है आपका, इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हुए हैं। तो ये जो आपके चार ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये कैसे बने हुए हैं? तो आपके शैल और धातुओं के बने हुए हैं, यानी कठोर हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह। अधिक घनत्व तो होगा ही, क्योंकि जो आपके बाह्य ग्रह हैं वो तो आपके गैसों से बने हुए हैं। अन्य चार ग्रह आपके कैसे बने हुए हैं? चार ग्रह विशाल ग्रह हैं। एक तो पहली बात तो बहुत बड़े हैं आंतरिक ग्रहों की मात्रा में, ये जो आपके बाह्य ग्रह हैं बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े। और सबसे बड़ा ग्रह आपका माना जाता है बृहस्पति, ठीक है, बहुत बड़े ग्रह हैं। अन्य चार ग्रह से बने विशाल ग्रह या इसको जोबियन, याद रखिएगा आंतरिक ग्रहों को पार्थिव और बाह्य ग्रहों को जोबियन बोलते हैं। जोबियन इनके आकार के कारण इसको बोलते हैं, जोबियन ग्रह कहलाती है। जोबियन का अर्थ होता है बृहस्पति। तो देखिए बृहस्पति की तरह हैं वो, पृथ्वी की तरह हैं और ये बृहस्पति की तरह हैं। बृहस्पति आपका गैस से बना हुआ है, ठीक है। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं, यानी सारे ग्रह आपके पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम की से बने सघन वायुमंडल हैं, यानी वायुमंडल की सघनता है इन ग्रहों में, वायुमंडल की सघनता है। अगर ये फैल गए होते तो हम इनको ग्रह क्यों कहते, नहीं कहते ना। और कौन सी गैस से बने हुए, तो इनमें हाइड्रोजन और हीलियम की सघनता है, ठीक है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर इन सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। देखिए अभी आपका 2006 तक की बात करें तो 6 तक की बात करते हैं अगर आप, तो हमारे जो इधर पे हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं वो 9 माने जाते थे। कौन सा? तो आपका प्लूटो ग्रह माना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, खगोलीय संगठन ने यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 अगस्त में इसको क्या किया, इसको बोल दिया कि तुम बौने ग्रह हो, ठीक है, यानी अब हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। अब इसको हमने बोना, ब्रह्मांड का हिस्सा तो है लेकिन ये ग्रह का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ब्रह्मांड का हिस्सा है लेकिन ग्रह का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसको बौना ग्रह बोल दिया गया है। तो यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, एक कौन सा था आपका 2003, इसका नाम क्या है आपका, एक और आपका पिंड था उसको भी हम बौना ग्रह बोलते हैं, उसका नाम है 2003 UB 313 और प्लूटो, ठीक है। एक आपका ये नाम दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है, इस प्रकार से नाम है इसका 2003 UB 313 तथा प्लूटो। इन दोनों ग्रहों का क्या बोल दिया खगोलीय पिंड ने, वो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको क्या बोला, बोल दिया कि बौने ग्रह, ठीक है, हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तत्व। चलिए इसको आगे देखते हैं। और ये आपका कुछ सारणी दिया हुआ, देखिए पार्थिव वा जोबियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी स्थितियां बनी कि पार्थिव और आपकी जोबियन ग्रह जो है अलग अलग दिखते हैं, यानी इनमें अंतर है, बड़े हैं छोटे हैं, ठीक है, उसमें आपका कठोरता है, एक में सघनता कम है, एक गैस के बने हुए हैं, ठोस पदार्थ के बने हुए हैं। तो देखिए पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप, जनक तारा यानी आपका सूर्य, ठीक है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सूर्य के नज़दीक हैं। तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने जहां अत्यधिक तापमान है। अब सूर्य के नज़दीक होंगे तो जितने ही सूर्य के नज़दीक होंगे उतने ही सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, जितने ही हम सूर्य से दूर जाएंगे उतने ही क्या होगा, उतना ही सूर्य की किरणें कम पड़ पाएंगी। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल पर सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ जाती हैं, मतलब बहुत तेज़ी से पड़ती हैं और ज़्यादा तापमान रहता है। तो अत्यधिक तापमान के कारण गैसें क्या हुई, संघनित नहीं हो पाई, इधर पर गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी घनीभूत भी ना हो सकी। जो भी इन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई, तो एक अंतर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा अंतर, सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, ठीक है, जो सौर वायु थी सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी। अब देखिए क्या है, सूर्य के नजदीक है तो वहां पे अगर सूर्य के नजदीक है और सूर्य पर सीधी सूर्य की किरणें सीधी ग्रहों पर पड़ रही हैं तो वहां पे ही ज्यादा वायु रही होगी सौर की, ठीक है। अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। अब इन्होंने क्या किया कि जो पार्थिव ग्रह थे यानी जिसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, सूर्य की वायु जब उधर पर सीधी पड़ी हुई है यानी सौर वायु जो सीधी पड़ रही है, उससे क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि धूल कण और वायु को उड़ा ले गई होगी शायद, फिर वो कठोर हो गए, ठीक है।
सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। तो जोवियन ग्रह थे जो आपके, उनसे गैसों को नहीं हटा पाई, क्योंकि जो जोवियन ग्रह हैं आपके सूर्य से दूर है, तो वहाँ पे सौर जो वायु है वो कम पहुँच पाई होगी, ऐसा मानना है। तीसरी बात देखिए, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। अब देखिए, जब ग्रह छोटा है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम रही होगी, ठीक है, कम होगी, रही क्या होगी। अभी भी आप एक चीज़ छोटी और एक बड़ी चीज़ को रख के देख लीजिए, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एक छोटी चीज़ है तो उसका गुरुत्वाकर्षण कम रहा होगा, रहा होता है, और एक बड़ी चीज़ है तो उसका गुरुत्वाकर्षण तेज़ी से रहता है, यानी ज़्यादा रहता है। तो इससे क्या हुआ कि पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुकी नहीं रह पाई। अब क्या हुआ कि जब जैसे इसमें गुरुत्वाकर्षण कम है, तो इनसे जो गैसें निकल रही थी ग्रहों से, वो उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाया, ठीक है, और वो गैसें दूर जाके चली गई, ठीक है, दूर चली गई बहुत उनसे। अब देखिए, बात करेंगे हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा का क्या हुआ, चंद्रमा कैसे आपका आया, तो चंद्रमा का क्या माना जाता है, वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में क्या मानते हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, यानी प्राकृतिक सैटेलाइट अगर आप बोलें, नेचुरल बोलें इसको, ठीक है। वैसे तो हम लोग सैटेलाइट भेज देते हैं, ठीक है, पृथ्वी से काफ़ी आपकी सैटेलाइट नीचे से भेजी हुई हैं, लेकिन वो कैसी हैं आपकी, वो तो आपकी मानव के द्वारा बनाई हुई हैं, चंद्रमा थोड़ी ना हम लोगों ने बनाया, नहीं बनाया ना। तो देखिए, चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो झुकी आपका पृथ्वी का सैटेलाइट है चंद्रमा, और कैसा है तो प्राकृतिक है, और सैटेलाइट को ही हम उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पृथ्वी की सतह पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए। अब बिल्कुल देखेंगे होंगे कि आखिर चंद्रमा कहाँ से आया, तो 1838 में जॉर्ज डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सुझाव दिया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक पिंड रहे थे, एक ही पिंड थे, उन्होंने बताया, डार्विन ने कह दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूम रहे एक पिंड थे, ठीक है, मतलब यानी गोलाकार के थे, यह पूरा पिंड डंबल था। डंबल से कहने का मतलब है डंबल, बीच में तो पतला होता है डंबल, और किनारों पर डंबल मोटा होता है, डंबल आपने देखा होगा, ठीक है, एक्सरसाइज वाला डंबल, इसमें क्या होता है, बीच में तो पतला रहेगा लेकिन किनारों पर मोटा। तो डार्विन ने बोला कि चंद्रमा और पृथ्वी जो है डंबल रहे होंगे, ठीक है, यानी वो बहुत तेजी से घूमते रहे होंगे, कि आकृति में परिवर्तित हुआ और अंतःगुत पर टूट गया। अब इन्होंने बोला कि ऐसा पहले बनाए, ठीक है, यानी किनारों पे मोटा बना और बीच के भाग में पतला हो गया, और घूमते 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 टूट गया, डार्विन ने ऐसा बोला। उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहाँ आज प्रशांत महासागर गर्त के रूप में। इनके कहने का मतलब है, अगर आपने देखे इधर पर, अगर आप मैप देखें, तो जो आपको प्रशांत महासागर है बहुत गहरा सागर है, ठीक है, बहुत गहरा सागर है। तो इन्होंने बताया कि दोनों घूम रहे थे, दोनों नहीं एक ही था, बोले घूम रहे थे, घूमते घूमते टूट गया, यानी बोले पृथ्वी से चंद्रमा अलग हो गया, चंद्रमा अलग हो गया, यानी जो बताया कि प्रशांत महासागर का गड्ढा है वही चंद्रमा निकला, इस प्रकार से इन्होंने डार्विन ने बोला। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिए, और वैज्ञानिक आए, यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो आज की हम थ्योरी पढ़ते हैं, उन्होंने नहीं माना कि जो हम प्रशांत महासागर देखते हैं उसी से चंद्रमा टूट के अलग हुआ है, यानी जो प्रशांत महासागर का गड्ढा है वही चंद्रमा है, ऐसा इन लोगों ने नहीं माना, ऐसा विश्वास किया जाता है। अब इन्होंने दूसरा तर्क दिया, क्या तर्क दिया, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। इन्होंने बोला कि एक टक्कर हुई होगी, बहुत तेज़ी से टक्कर रही होगी, ठीक है, इन्होंने बोला बहुत तेज़ी से टक्कर रही होगी, और जब और क्या हुआ होगा, और चंद्रमा का विकास हुआ होगा, और जो कि अब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जिसे द बिग स्प्लैट कहते हैं। स्प्लैट मीन्स आपका क्या होगा, टकराव, ठीक है, टूटना, किसी चीज़ का बिग स्प्लैट रहा होगा। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के समय कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया होगा। इन्होंने बोला कि मंगल ग्रह की जो आज की स्थिति है, ठीक है, उससे 3 गुना पिंड जो मंगल ग्रह है, मान लीजिए इतना है मंगल ग्रह, तो इससे 3 गुना इतना हो जाएगा, तो मंगल ग्रह से 3 गुना भारी पिंड आया, पृथ्वी से टकरा गया, और इस टकराव के कारण पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, ठीक है, वो हिस्सा वही चीज़ है आपकी, लगभग तो वही चीज़ है, बस थोड़ा अंतर है। वो बोल रहा है उसमें डार्विन ने क्या बोला कि जो आज हम प्रशांत महासागर देखते हैं वही हिस्सा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा दूसरा तर्क दिया। इन्होंने बोला कि 3 गुना मंगल ग्रह से 3 गुना पिंड आया और पृथ्वी से टक्कर खा गया, और पृथ्वी की टक्कर के कारण क्या हुआ, वो अंतरिक्ष में टूटकर बिखर गया, ठीक है, टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष का पहला हुआ, यानी वही चीज़ है, टकराया हुआ, टूटा होगा और घूम गया होगा, ठीक है, यानी आज चक्कर लगाता है, तो इसी प्रकार की थ्योरी रही होंगी, क्योंकि हर वैज्ञानिक ने इसी प्रकार की लगभग जुड़ी हुई थ्योरी दी हुई है। चलिए अब पृथ्वी का उद्भव देखते हैं, तो पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ,
क्या आप जानते हैं, कितना समय हो गया आपका, 43 मिनट, चलिए आगे देखिए। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी, चट्टानी थी, गर्म और वीरान ग्रह था। वीरान यानी ना तो हरियाली थी और ना ही उधर पर पानी था, ठीक है, क्या था, सिर्फ चट्टाने चट्टाने थी, ठीक है। जिसका वायुमंडल विरल था, यानी वायुमंडल विरल था, यानी वायुमंडल बहुत कम था, जो कि और था ही तो क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम मिली होंगी, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, जो वायुमंडल था वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। लेकिन आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम बहुत हल्की गैसें हैं। अब आगे देखेंगे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विकास कैसे हुआ, यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। आज हम देखते हैं तो क्या हाइड्रोजन और हीलियम है पृथ्वी पर, नहीं है ना, अगर अगर ऑक्सीजन नहीं रही तो अगर 1 सेकंड ऑक्सीजन गायब तो पूरी पृथ्वी गायब, ठीक है, यानी सब लोग मर जाएंगे, 1 मिनट की ऑक्सीजन से सब लोग मर जाएंगे। लेकिन पहले तो अभी ऑक्सीजन का तो नाम ही नहीं आया, सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम है आपकी। आगे देखिए, अतः कुछ ऐसी घटनाएं और प्रक्रियाएं अवश्य ऐसी क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिनके कारण चट्टानी वीरान व गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुए जहां बहुत सारा पानी, जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। यानी पहले तो चट्टानी चट्टानी इलाका था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी एक ऐसा सुंदर सा ग्रह बना जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई, पानी की उत्पत्ति हुई और बहुत सुंदर सा वातावरण वहाँ का लगने लगा। अगले कुछ भागों में, अब इसको देखिए, आगे कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि 460 करोड़ वर्षों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी की संरचना परतदार है। तो देखिए इसका जो थर्ड चैप्टर है, एवं सेकंड चैप्टर में इसका जो थर्ड चैप्टर है तो उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना दी हुई है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपको पता है कि परपटी, मेंटल क्रोड, आंतरिक क्रोड इस प्रकार से आपकी बताई हुई है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वो संरचना आपकी किस प्रकार से बनी। पहले तो आपकी चट्टान थी, ठीक है, एक चट्टान थी पूरी, लेकिन वो धीरे धीरे संरचना बनी, कैसे बनी, अलग अलग परतों में पृथ्वी कैसे बनी, तो उसको हम देखेंगे। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है भी एक समान मात्रा में नहीं है। यानी अगर आप देखते हैं ऊपर सबरे परत पर, अगर आप देखते हैं सबसे ऊपरी परत पर क्या देखते हैं, मिट्टी है, तो क्या पृथ्वी की क्रोड में भी मिट्टी है, नहीं है ना, वहाँ पे तो आपका लोहा माना जाता है कि उधर पे लोहा है, कि जब आपका ज्वालामुखी फटता है तो मिट्टी निकलती है, नहीं निकलती ना, तो हम कैसे मान लें कि नीचे में मिट्टी है, नहीं है ना, यानी परतें अलग अलग हैं पृथ्वी की। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो बहुत कम है, घनत्व सबसे कम है, जो वायुमंडलीय है आपका पदार्थ उसका घनत्व बहुत कम है, ठीक है, वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व यानी आपकी जो पृथ्वी बनने में है उसमें वो रखा है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषता है। वही बता रखा है कि पहले आपको परपट्टी मिलेगी सबसे ऊपर, ठीक है, परपट्टी मिलेगी, मेंटल मिलेगी, क्रोड मिलेगी, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड इस प्रकार से। क्या ये समान है, क्या क्या इनके पदार्थ समान है, नहीं है, तो हम देखेंगे अलग अलग। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई, देखिए इसमें वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, पहली बात तो जो आपके ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने व हल्के पदार्थों के मिश्रण के बने थे, यानी काफ़ी पदार्थ आपके सेम पदार्थ के बने हुए थे। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है, बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने, यानी छोटे 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 जो आपके ग्रहाणु थे वो इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के कारण उन्होंने एक बड़ी संरचना बना दी, बड़ी संरचना जिसको आज हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की संरचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा होता है तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। अब क्या हुआ, ऊष्मा निकली, ऊष्मा निकलेगी तो क्या है, आपकी हल्की वायु भी तो निकलेगी। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगा। अब देखिए ऊष्मा बनती रही, ऊष्मा बनने के कारण क्या हुआ, तापमान आपका हाई होगा, तापमान होने के कारण क्या हुआ, जब तापमान बढ़ता जाता है तो चीज़ों को लिक्विड कर देता है, पिघला देता है। तो वही चीज़ बनी यहाँ पे कि उत्पन्न पदार्थ से उत्पन्न ताप जो निकला, टेम्परेचर जो निकला, तो पदार्थ क्या हुआ, गर्म होना हुआ और पिघलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ, यानी पृथ्वी बनी और इस प्रक्रिया आपकी चलने लगी थी, ठीक है। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। अब क्या हुआ, यानी पृथ्वी का कुछ भाग क्या हुआ, द्रव बन गया, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उस पर पड़ रहा था। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ चीज़ें पिघलेंगी ना, लोहे को अगर आप टेम्परेचर यानी गर्म चीज़ में डालते तो पिघलता है ना, ठीक है, प्लास्टिक भी आपकी पिघलती है, तो कुछ पदार्थ उसमें पिघले रहे होंगे, खैर प्लास्टिक तो नहीं थी वहाँ पे, मैंने तो लोहे की बात की हुई है। चलिए आगे देखते हैं, तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के व भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। अब जब पिघले और पिघले के कारण क्या हुआ, इनका घनत्व अलग होगा, घनत्व तो अलग रहा होगा। अब घनत्व से मैंने, मेरे का कहने का मतलब है कि आप कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा लेने के साथ एक आप लोहा ले लीजिए, तो क्या एक किलो आप अगर एक मान लीजिए एक किलो तोलना है आपको कपास, एक किलो तोलना है आपको लोहा, तो क्या उसका साइज बराबर रहा होगा, नहीं रहता ना, कहाँ रहता है। एक किलो कपास में तो आपकी इतनी सारी रुई आ जाती है, ठीक है, और एक किलो लोहे में तो आपको छोटा सा एक टुकड़ा मिलेगा, मिलता है ना, तो वही चीज़ है कि इनका घनत्व कैसा है, अलग अलग है, और घनत्व के कारण ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है, घनत्व के कारण ये चीज़ें अंतर आता गया और अलग अलग होना शुरू हो गई। इसी अलगाव, अलगाव मीन्स अलग होना, इसी अलगाव के भारी पदार्थ
जो बहुत भारी पदार्थ था जैसे लोहा, पृथ्वी के केंद्र में चला गया, पिघला और वो नीचे की साइड खिसक गया। क्यों खिसक गया? क्योंकि वो भारी था तो केंद्र में पहुंच गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह और ऊपरी भाग की तरफ आ गए, और जो हल्का पदार्थ था वो पृथ्वी की सतह पर रह गया। सतह समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। क्या हुआ कि समय और छोटा हो गया और छोटा सॉरी समय बदलता गया। समय बदलने के कारण पदार्थ ठंडे होते गए, ठोस होते गए, बदलती गई चीज़ें। अंतगुत्वा यह पृथ्वी की भूपरपटी के रूप में विकसित हो गया। अब क्या बन गया? ऊपर की परपटी बन गई। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को हमने विभेदन कहा, डिफ्रेंसिएशन कहा। डिफ्रेंसिएशन यानी डिफरेंस क्या होता है? अंतर। तो वही चीज़ तो हो गया, घनत्व के कारण अंतर ही तो हो गया इन चीज़ों में, तो विभेदन बोल दिया। विभेदन को इंग्लिश में डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर से तापमान बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। तापमान बढ़ेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यह विभेदन का दूसरा चरण था। फिर से विभेदन हुआ यानी फिर से डिफ्रेंसिएशन हुआ। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ? बन गई परतें आपकी। पृथ्वी की धरातल से क्रोट तक कई परतें बन गई, काफ़ी परतें आपकी बनती, ठीक है। जैसे 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 कौन कौन सी परतें? एक तो आपकी बनी कौन सी? परपटी। दूसरा बना आपका मेंटल, ठीक है। प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रस्ट इंग्लिश में, प्रभार मेंटल को हम मेंटल ही बोलते हैं। देखते प्रभार तो कम ही सुना होगा आपने, इंग्लिश में भी मेंटल लिख देते हैं और आपका हिंदी में भी मेंटल इस प्रकार से लिख देते हैं, मेंटल, ठीक है। और बाह्य क्रोड बना, आउटर कोर बना, और आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर बना। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग के आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, ठीक है। क्या हुआ? पृथ्वी के जो ऊपरी भाग से अगर हम अंदर की साइड जाते हैं, अगर पृथ्वी में गड्ढा करते जाएगी तो जो पदार्थ मिलेंगे आपको उनका घनत्व ज़्यादा मिलता जाएगा, यानी हर एक परत पे आपको घनत्व ज़्यादा मिलेगा। यानी परपटी के जो सबसे ऊपर भाग है पृथ्वी का, परपटी, इस पे जो चीज़ें मिलेंगी आपको सबसे कम घनत्व की मिलती हैं। लेकिन अगर जो जो कि आपका जो है अंदर कोर से जो पदार्थ निकलता है ज्वारों की फटने के कारण, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका घनत्व आपका ज़्यादा मिलेगा। यानी जैसे जैसे हम अंदर की साइड जाते हैं, पॉइंट लाइन याद रखना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो पदार्थों का जो घनत्व है हमें ज़्यादा मिलने लगता है, ठीक है। हर परत की विशेषता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हम अध्याय मतलब जो पृथ्वी की संरचना है आंतरिक, वो अगले चैप्टर में आपकी दी हुई है, तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे वायुमंडल व जलमंडल का विकास। तो वायुमंडल और जलमंडल अब कैसे बना? अभी तो चट्टानी था, पृथ्वी की परतें बन चुकी हैं, फिर वायुमंडल कहाँ से आया? जहाँ हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से आया? जलमंडल कहाँ से आया? जो हम पानी पीते हैं, जो हमारे यहाँ पे समुद्र दिखाई देते हैं, नदियाँ दिखाई देती हैं, कहाँ से बन के निकली हैं? देखिए आगे, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में क्या था? सबसे पहले क्या था उसमें? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है, ठीक है। वायुमंडल की संरचना व संगठन आठवें अध्याय में बताया गया है। तो वायुमंडल की संरचना तो आपका क्षोभमंडल वगैरह हम आठवें अध्याय में पढ़ेंगे। आगे देखिए, वर्तमान वायुमंडल के विकास की तीन अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, यानी वो जो है गैसों का कमी हुआ, ठीक है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जल भाप से वायुमंडल के विकास के सहयोग किया, यानी जो देखिए वायुमंडल क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर से जो गैसें निकल रही थीं और जो जल भाप निकल रहे थे उन्होंने योगदान दिया वायुमंडल के बनने में। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया गया, यानी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उससे क्या हुआ, उससे आपका ऑक्सीजन का बनना स्टार्ट हुआ। आरंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सबसे पहले वायुमंडल में क्या था? हाइड्रोजन था और हीलियम था। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि सौर पवन से क्या हुआ कि दूर हो गई चीज़ें हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल यानी जितने भी पार्थिव ग्रह हैं उन सब में ऐसा ही हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम सौर पवन के कारण दूर जाके पहुंचे, ठीक है, दूर पहुंच गए पार्थिव ग्रह पर हुआ। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या फिर समाप्त हो गया। जैसे अगर आप देखते हैं हीलियम, तो क्या हीलियम आपको क्षोभमंडल में मिलती है? नहीं मिलती ना, हीलियम आपकी बहुत हल्की गैस है, ठीक है, वायुमंडल की बाह्य परतों में मिलती है। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी, तो यह वायुमंडल थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ। अब दूसरी बात क्या होगी, पृथ्वी ठंडा हुआ तो पृथ्वी का ठंडा होना और विभेदन के दौरान यानी डिफ्रेंसिएशन हुआ पृथ्वी का। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें निकली और जलवाष्प बाहर निकले, ठीक है, जलवाष्प और गैसें बाहर निकली, इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ, यानी आज का वायुमंडल इसी के कारण बना। प्रारंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अमोनिया अधिक मात्रा में थे और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। यानी अगर ऑक्सीजन
बात करें ऑक्सीजन आपकी काफ़ी समय बाद आई, ठीक है, और आई भी तो वो कम मात्रा में थी। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में थी। यह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं, इसे हम गैस उत्सर्जन कहते हैं, यानी गैस का निकलना। और जैसे ही ये प्रक्रिया हुई तो उसको हमने नाम दे दिया गैसों का उत्सर्जन। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से ज्वालामुखी फटते रहे और ज्वालामुखी फटने के कारण वायुमंडल से जलवाष्प और गैसें बढ़ने लगीं। यानी जब ज्वालामुखी फटा तो नीचे से गैस भी निकलती थी और साथ साथ में उसकी जलवाष्प भी निकलती थी। और जलवाष्प क्या है, जलवाष्प को आप संघनित कर दीजिए तो बारिश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा बूंदों के रूप में। पृथ्वी के ठंडा होने से साथ साथ जलवाष्प का संघनन हुआ। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई यानी टेम्परेचर नीचे गिरा और टेम्परेचर नीचे गिरा तो वो जलवाष्प ठंडी हो गई, और जलवाष्प ठंडी हो गई तो आपकी संघनन की क्रिया बन गई। अब संघनन की क्रिया से क्या हुआ, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आ गई। अब क्या हुआ, वर्षा का पानी बनने लगा, फलस्वरूप अधिक संघनन हुआ, अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा हो गया। गड्ढे भी तो थे, आए दिन पृथ्वी से चट्टाने भी तो टकराई थी और ग्रह भी तो टकरा रहे थे, तो गड्ढे भी तो बना रखे थे, ठीक है, तो पृथ्वी में गड्ढे थे। अभी भी आप देखते हैं तो चंद्रमा पे आपके गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं। अब गड्ढा हो जाएगा तो एक पर्वत बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, गर्त हो गए, उन गर्तों में क्या हुआ, गर्त मीन्स गड्ढा होता है, उन गर्तों में पानी भर गया, ठीक है, जिससे महासागर बन गए, जिसको हम आज महासागर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़, जब पृथ्वी बनी तो उसके बाद महासागर बने, कितने साल बाद, 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इस समय पता चलता है कि महासागर आज से लगभग 400 करोड़ साल पुराने हैं और लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। अब महासागर बन गए, हर चीज़ हो रही है आपकी, ठीक है, यानी जीवन का उत्पन्न होने वाला है। तो अब जीवन बना किसके, महासागर के 20 करोड़ साल बाद, ठीक है, 20 करोड़ साल बाद बना, 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। यद्यपि लगभग 200 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई फिर तो सब चीज़ें आपकी सुधर गई, ठीक है। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित था, यानी सबसे पहले देखा जाए तो जीवन कहाँ हुआ उत्पन्न, तो महासागर में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई, अब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो ऑक्सीजन बनती जा रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन में बढ़ोतरी और महासागर की देन है। अगर हम इसको बोलें ऑक्सीजन को तो हम क्या बोल सकते हैं कि महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, यानी जितनी ऑक्सीजन महासागरों को चाहिए थी वो भर गई महासागर में। तो अब क्या होगा, अब महासागर को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो बाहर फेंक देगा, तो फिर क्या ऑक्सीजन हुई, ऑक्सीजन वायुमंडल में चली गई, ठीक है। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर आई। अब क्या हुआ, 200 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गई। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल नहीं था, यानी स्टार्टिंग का जो वायुमंडल था उसमें जीवन नहीं बन सकता था, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। तो रासायनिक तो आपका चलता आ रहा है, यानी आपका केमिस्ट्री तो चल रहा है जब से, यानी प्रक्रियाएँ ही तो हो रही हैं, जैसे जिससे पहले जटिल जैव यानी कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ, पहले जटिल अणु बने, ठीक है, और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, यानी बार बार क्रियाएं होती थी और निर्जीव पदार्थों को जीवन तत्वों में परिवर्तित कर रहा था। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने लगे, ठीक है, जीवाश्म के रूप में। तो जीवाश्म पा गया आपके, जीवाश्म यानी जीवों का अंश, 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी आपको देखने को मिलेगी। यानी 300 करोड़ पुरानी चट्टानें वैज्ञानिकों ने देखी जब, तो उन चट्टानों में उन्हें जो जीवाश्म मिले वो किसके मिले, तो वो संरचना देखी गई, वो किसकी देखी गई, तो शैवाल में आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी की देखी गई, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना मिलती है, जो आज भी ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी आज भी तो है, यह कल्पना की जा सकती है। इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी, तो इससे पहले और देखें तो और शैवाल भी तो रही होगी आपकी। अब चलिए इसमें थोड़ा आगे, यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। एक कोश की जीवाणु आया सबसे पहले, एक कोशिका का, ठीक है, एक कोशिका जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को दर्शाया गया है। तो चलिए इसको हटाइए, इधर पे आपका चैप्टर समाप्त हो गया, इससे कुछ आपका ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, इससे एग्जाम में आपका कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, एक दो क्वेश्चन मुश्किल से बनेंगे, मैंने आपको बताया भी पॉइंट पे कि इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर आपका जो है ओनली आपका क्या है,
पढ़ने और समझने ज्ञान के लिए है बस। इसके बाद हम जो है सेकंड चैप्टर देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका प्लेट टेक्टोनिक वगैरह भूकंप ज्वालामुखी सारे आपके चैप्टर, अब जो चैप्टर आपके आने वाले हैं थर्ड चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कोई भी परेशानी है आपको, कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है किसके इंस्टा और फेसबुक की, तो उधर पर आप जाके फॉलो कर लीजिए, उधर पर आप डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।